Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, your lucky boy. And guys, this is my day 5 in Thailand. मैं हूँ पटाया में और आज फाइनली जो है मौसम खुल गया है, वरना पिछले 4 दिनों से तो बारिश या फिर सूरज नहीं दिख रहा था। आज मौसम खुल गया है, तो आज यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस टूर है कोरल आइलैंड का और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से पटाया पोर्ट। वहाँ पर जाके आप पैकेजेस भी ले सकते हो पूरे आइलैंड टूर के, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार ही खुद ही ट्राई करता हूँ कि अगर खुद से जाना चाहे बंदा तो कैसे जा सकता है। तो भी चलता हूँ, पहुँचता हूँ पटाया पोर्ट और फिर बताता हूँ वहाँ पर जाकर कि कैसे आप जा सकते हो कोरल आइलैंड। और इसको कोह लार्न भी बोलते हैं और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पर। तो अभी चलता हूँ, टुक टुक ले लेता हूँ और मिलता हूँ पोर्ट पर। तो एक चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये पुलिस वाले खड़े हैं ना भाई, आप यहाँ पर आकर स्कूटी रेंट पे लेना ही मत। पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे तब भी चालान कटेगा यहाँ, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूँ। पता है मैं पिछली बार आया था, चालान कट गया था। सो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ। जो पोर्ट है बाली हाई पियर बोलते हैं उसको, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर ऑप्शंस मैंने देखे। बिग बोर्ड पे अगर आप जाना चाहते हो कोरल आइलैंड तो आपको लगते हैं 30 बाट। और ऐसी यहाँ मेरे पीछे स्पीड बोट्स चल रही हैं, इसके आप आने जाने के 300 बाट या वन वे आपको जा रहा हूँ 150 बाट दे सकते हो। थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं। मैं इसी स्पीड बोट से जा रहा हूँ। वैसे तो मैं बिग बोट से भी जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा मुझे शाम को भी कहीं और जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाऊँ। सो गाइस, पहुँच गया हूँ मैं कोरल आइलैंड पे। आधा घंटा लगा, अब स्पीड बोट से आधा घंटा लगा है। मेरे हिसाब से जो बड़ी वाली बोट है वो तो थोड़ा सा और टाइम लेगी, बट जैसे मैंने बोला ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिग बोट पे आ सकते हो, पैसा कम लगेगा। और जो बड़ी वाली बोट है वो हर 1 घंटे में निकलती है, सुबह 8 बजे शुरू होती है। और सिमिलरली यहाँ से वापसी भी हर 1 घंटे में जाती है, शाम को 6 बजे तक है, टू एंड फ्रो। तो वो आपको अब डिसाइड करना है कि किससे आपको आना है, पैराशूट या हाउ मच। तो फिर यहाँ पर उतारा बोट ने और ये है आपका आइलैंड। और यहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, खाने पीने की भी जगह है यहाँ पर पीछे। सुबह जब उधर से बीच के पिछली तरफ आ गया हूँ मैं। और इसका नाम जो है ना, तवाइन बीच है इस जगह का नाम। कोरल आइलैंड पे ये बीच है, तो जब आप बोट से आते हो तो आपको तवाइन बीच पर आना है। यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनके प्राइजेस साथ में लिखे हुए हैं। बार्गेन तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ये जो आइलैंड है कोरल आइलैंड, इस पर ये मैप में देखो कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप स्कूटी रेंट पे लेके यहाँ सब जा सकते हो इफ़ यू वांट। और स्कूटी यहाँ पर मुझे जो दे रहे हैं 300 बाट में दे रहे हैं रेंट पे। अभी मैंने जो डील ली है उसके अंदर मैंने पैरासेलिंग लिया है। पैरासेलिंग आई विल कम बैक। अभी पैरासेलिंग जो मुझे दे रहा है वो दे रहा है 700 बाट में। और बनाना बोट राइड है जो, वो पर पर्सन मुझे अभी 150 बोला है उसने। तो ये दोनों मैं एक्टिविटी करने वाला हूँ। सो गाइज, मैं रेडी हो गया हूँ, लॉकर में सब सामान रख दिया। ऐसे की मिल गई है, ये सबसे बढ़िया काम हुआ। और अब मैं बस पैरासेलिंग के लिए जा रहा हूँ पहले। और गोप्रो मैंने निकाल लिया है ताकि आराम से बना पाऊँ, क्योंकि फ़ोन तो थोड़ा सा कैरी करने में प्रॉब्लम रहती है और शायद पानी में भी जाऊँ। लो जी, बोट पे पहुँच गया हूँ। पानी देखो कितना साफ है यार। चले अंदर। तो गाइस, पूरा रेडी कर दिया है, ये लाइफ जैकेट पहना दी है। और अभी ये पैरासेलिंग के लिए जो बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, तो ये पूरा रेडी कर रहे हैं। और अभी आगे जाएंगे और शुरू करते हैं पैरासेलिंग। सो गाइस, पैरासेलिंग करके आ गया हूँ, बढ़िया एक्सपीरियंस था। वैसे भी एक चीज़ बताता हूँ, बोट पे अगर आप अपने फ़ोन से वीडियो या पिक्चर्स भी क्लिक करोगे तो भी 100 बाट लेते हैं, या इनसे भी आप करवा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं पहले आया था 2009 में, तब भी मैंने कैमरा वगैरह था मेरे पास, ऐसा कोई चार्ज सब था नहीं। तब नया चार्ज था कि जब आपको पैरासेलिंग पर ले जाते हो नीचे डिप करते थे तब 100 बाht एक्स्ट्रा लेते थे। यहाँ पर वो डिप करा रहे हैं फ्री में। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास ये हाथ में गोप्रो था, तो वो तो मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप आते हो यहाँ पर और ऐसा पैरासेलिंग बुक करते हो, मेक श्योर कि आप उनसे पहले डिस्कस कर लो कि मैं अगर फ़ोन से वीडियो पिक्चर्स लूँगा तो एक्स्ट्रा 100 नहीं दूँगा। तो अभी चलता हूँ। ये भाई मेरे साथ पीछे आ रहा है क्योंकि मैंने लॉकर में सब सामान रख दिया था। इसको 100 बाht देता हूँ और फिर चलते हैं बनाना राइड पे। और आपके लिए सजेशन है, अगर आप आते हो यहाँ पर तो थोड़ा सा जल्दी आओ। मुझे लगता है कि मैं जैसे काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं यहाँ पहुँचा ही मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास था। आइडली यहाँ पे सुबह 9-10 बजे तक आपको पहुँच जाना है, क्योंकि इस आइलैंड पर और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हो बाइक रेंट पर लेके। सो गाइस, मेरी बनाना राइड तो आ गई है और चश्मा और कैप वगैरह सब उतार दिए क्योंकि ये गिराएंगे भी बीच में, तो सब गिर जाएगा वरना वहीं। तो अब बैठ जाता हूँ। मैं अकेले जा रहा हूँ क्या? ओके, आई सेड ओके। बहुत तेज जा रहा है तो अबे भाई आराम से। Don't drop, okay, don't drop. मैं बड़ी कोशिश करी बंदे ने गिराने की, मैं भी ढीटू गिरा नहीं। ये देखो भाई को। पता था मुझे इस बार। भाई मज़ा आ गया यार। बनाना राइड ज़रूर करना अगर आप आते हो यहाँ तो। सो गाइस, बनाना राइड करके मैं आ गया था और अभी क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे भी कम है यहाँ पर, तो मैं आइलैंड तो घूमने नहीं जा पाऊँगा। तो एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, वो कर रहा हूँ मैं। सी वॉक बोलते हैं उसको। उसमें क्या है, पानी के अंदर ले जाएंगे और एक ऐसा पहना देते हैं, यहाँ तक होता है वो ग्लास का सर्कल हेलमेट बोल लो, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं उसको पहना देते हैं। और नीचे फिर आपको फिशेज़ वगैरह को फीड करते हैं, तो वो देख सकते हो आप। तो अभी वही करने जा रहा हूँ। चश्मा वगैरह पहन सकते हो उसमें, तो ये बढ़िया है। तो मैंने दी उसके 700 बाht और चलता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। सो गाइस, वहाँ वाले बीच से मुझे स्पीड बोट पे लाए हैं और यहाँ पर ये स्टेशन बोट है बड़ी बड़ी, और यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। और ये यहाँ से नीचे ले जाते हैं और ये इसको हेलमेट ही बोलते हैं। मैं हेलमेट बोल रहा था पहले तो मैं कंफ्यूज था। ये पहन के इसके साथ, हाँ हेलमेट ओके, इसको पहन के यहाँ पीछे से पाइप लगा होता है जहाँ से ऑक्सीजन आती रहती है और नीचे आप जा सकते हो आराम से। तो चलता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ इसको, देखता हूँ कैसा है। गाइस, स्कूबा भी कर सकते हो अगर आपको करनी हो तो। स्कूबा के प्राइजेस पूछता हूँ मैं। हाउ मच फॉर स्कूबा, हाउ मच? 5,000 baht, ओके ओके। तो भाई नो नो, आई वांट ओनली दिस सी वॉक। तो भाई स्कूबा के 5,000 baht है और ये गए स्कूबा के लिए नीचे। 6 मीटर है पानी, तो 6 मीटर के हिसाब से 5,000 स्कूबा के तो बहुत महंगे हैं। क्योंकि मेरे को याद है मैंने अंडमान में कराया था 5,000 रुपये में, और वो भी अराउंड 10-15 मीटर था। अच्छा चलो चलता हूँ मैं, मेरी बारी आ गई रेडी होने की। ले आओ, बहुत भारी है भाई। ऑक्सीजन लगा दिया इसने पाइप ना, चालू हो गया। सो गाइज मैं वापस आ गया था वहाँ से जो दूसरी बोट पे ले गए थे जहाँ पे मुझे सी वॉक कराई थी, और मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा सी वॉक का। प्रॉपर ऑक्सीजन आ रहा था उसमें हेलमेट में। एक बार जब नीचे जाते हो तो कानों में दर्द होता है बस थोड़ा सा, फिर एक दो मिनट में ठीक हो जाता है जब आप दबा के उसको कानों को खोल लेते हो। और कोई रिस्की वगैरह भी नहीं है, वहाँ जाते हो आप शॉर्ट ट्रेनिंग देते हैं कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। नीचे नहीं देख सकते, ऊपर नहीं देख सकते, नीचे बैठ नहीं सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। ये दो चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी वो फीड करवाते हैं फिशेस से। फिशेस आपके आसपास है, कोरल नहीं है वहाँ पर इतने, बट एक्सपीरियंस बढ़िया है। और अब बच चुके 4, पीछे वहाँ बोट है जो नॉर्मल बोट है, मतलब जिसमें 30 बाट में मैं जा सकता हूँ, वो जाएगी 5 बजे। तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ यहाँ से और वापसी चलता हूँ यहाँ से पताया। और मेरे हिसाब से अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो पताया में तो यहाँ पर आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, फिर से बाय बाय।